हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ मोगरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदत्त महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा इस माजालपा की पावन भूमि माँ नेवच के पावन तट पर माँ जालपा की पुनीत पावन पवित्र भूमि पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संपूर्ण राजगढ़ के निवासी संपूर्ण राजगढ़ के निवास करने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं, कथा के मुख्य यजमान श्री हरिचरण जी तिवारी, श्री श्यामाचरण जी तिवारी, श्री रमाकांत जी तिवारी, श्री हरिमोहन जी तिवारी, श्री आशीष जी तिवारी, श्री स्वदेश जी तिवारी, श्री अभिषेक जी तिवारी, श्री निधेश जी तिवारी एवं समस्त आशीष हरिचरण तिवारी परिवार और राजगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आज पुनीत पावन सावन के महीने में जो 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा इस पवित्र भूमि पर माँ जालपा भवानी के गोद में माँ जालपा भवानी के पावन कृपा से राजगढ़ की इस पवित्र भूमि पर चल रही है। आज वो विराम लेने जा रही है। पांच दिन आप लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े भाव से, बड़े हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। आज कथा का विराम दिवस है। जहां आप बैठकर कथा सुन सकते हैं वहां सुने और बाबा देवदत्त महादेव से अपने हृदय की बात
भगवान शिव से कहा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुदार तार। ये चार दिन जो कथा के निकले हैं और आप लोगों ने जो संपूर्ण राजगढ़ के आसपास क्षेत्र के निवासियों ने जो चार दिन कथा का रसतत्व जो ग्रहण किया, वो एक अपनी जिंदगी को सार्थक करने वाला है। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि जिसने अपने जीवन में थोड़ा कष्ट सहन करा है, जो सहन करना जानता है, जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करा है, जो सहन करना जानता है, वही जिंदगी में सहनशाह बन सकता है, वही राजा बन सकता है। जिसने सहन करा ही नहीं है, किसी ने अपशब्द कहा और आप सहन नहीं कर पाए, किसी ने आपको गाली दी और आप सहन नहीं कर पाए, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला और आप सहन नहीं कर पाए, जो सह गया दुनिया के दुख को, गाली को, अपशब्द को, तानों को, लोगों के इल्जाम को, लोगों के अपशब्द को, दुख को, परेशानी को, जो सह जाता है दुनिया में, वही शहंशाह बन जाता है, जो सह गए। अब आज हमारी स्थिति यह हो गई है, प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति यह हो गई है कि उससे सहन नहीं होता, उससे सहन नहीं होता। जितने मानव हैं, जितने मनुष्य हैं, बन सका है, जो सहना ही नहीं जाना। मेरे राम जी महाराज ने कितना सहा, माता केकई ने अपशब्द कहे, माँ मंथरा ने उनको भड़का दिया, केकई माँ ने उनको वन भेज दिया, वो भटकते रहे, घूमते रहे, बीच में माँ जानकी जी चली गई, भूखे रहे, भोजन ना मिला, फल का सेवन करते हुए वनवासी के कपड़े पहनकर अपने जीवन को मेरे राघव जी ने जिया। मेरे भगवान कृष्ण कारागार में जन्मे, कारागार से निकले, मां यशोदा की गोद में अपने माता पिता को छोड़कर पहुंच गए।
अपने माता पिता को छोड़ा, कितना सहा। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव सब छूट गया मेरे ठाकुर जी का, और आखिरी में मथुरा में निवास किया। मथुरा भी छूट गया, द्वारिका में निवास किया। कितना सहा मेरे भगवान कृष्ण ने। राम जी ने सहा तो अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, भगवान कृष्ण ने सहा तो द्वारिका के राजा बनकर बैठ गए। आप जिस दिन सहना सीख जाओगे उस दिन आप भी कहीं ना कहीं के राजा बनकर बैठ जाओगे, ये निश्चित है। एक बहू बात बात में कह देती है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं सुनूंगी। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पड़ोसी कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार। और हमारी सहनशीलता गिरती चली गई, हमारी सहनशीलता समाप्त होती चली गई। हमारी सहनशीलता नीचे की ओर जाती चली गई। हम वैभव में तो बढ़ गए हैं, हम सत्ता में तो बढ़ गए हैं, हम धन में तो बढ़ गए हैं, पर हमारी सहनशीलता घटती चली गई। कोई ने कुछ बोला और आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ बोला और आपको अपशब्द सुनते से ही क्रोध आ गया, ये आपकी सहनशीलता दबी है। एक सरल सी बात आपके जीवन में उतारिएगा, एक सहज सी बात आपके भीतर रखिएगा। महाराज, मेरा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये इतने सारे जो भक्त लाखों की संख्या में आए हैं, ये कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा केवल थोड़ा सा निवेदन है, आप चार पांच लोग, छह लोग, या तो कहीं जगह मिल जाए तो बैठ कर शांति से इतने लोगों को कथा सुनने दें जैसे जिंदगी सार्थक हो जाए। पांचवें दिन की कथा है आज, मेरा बाबा क्या तुमको देकर चले जाएगा पता नहीं, उसको दिल से आप रिझालें। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा हम बोल पाते हैं। अगर आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हम लुटा कर चले जाएंगे, बाद में आपकी मर्जी है, आप उसको स्वीकार करें ना करें। बस इतना निवेदन है कि हमको टाइम पास करना नहीं आता, कि हम कथा में 2-4 भजन गा दें और टाइम पास कर दें, और 2-4 भजन गाकर थोड़ी बहुत टाइम पास कर 3 घंटे पूरे कर अपने घर चले जाएं। आप लोग इतनी दूर दूर से हजारों रुपए खर्च कर आते हो, आपके इस झोली में मेरा भोलेनाथ कुछ देकर भेज दे, बस इतनी कामना हम बाबा से करते हैं। आप जितने शांति से कथा का आनंद लेंगे उतनी जिंदगी की सार्थकता है उतना। अपने जीवन की एक आनंदता, हमारी सहनशीलता घट रही, हमारी सहनशीलता समाप्त हो रही। हमें कोई अपशब्द कह देता है, हमें कोई ताना दे देता है, हमें कोई गाली दे देता है, और हम क्रोध में आ जाते हैं। एक सरल सा विषय आपके भीतर मेरे शिवजी से सीखिएगा, मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा, मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे, दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला।
कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का, समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक हो गई, उस दिन आपका जीवन सार्थक हो गया। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी माँ ख्याति देवी, ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना, तब देवाधिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास रहे, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, जमाई को, एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे, तुम मेरा अपमान करे हो इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिवजी का अपमान करना कोई बात नहीं है, शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे, राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहता, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया, सावन के बीच में कब अधिक मास, एक महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिव जी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि सावन 2 महीने का हो गया तो भी सावन कम निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाया। आपको रम जो जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया, ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरु जी मैं बड़ा दुखी हूं,
मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है, एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा है, रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। रामेश्वर गुप्ता दिख गई क्या? हाँ हाथ हिला तो बहन ऐसा एक बार, हाँ ठीक है दिख गए, हाथ हिला। रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, राजस्थान कोटा केशोरया पाटन से हम आए हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी, 16 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ताना ना दिया, अपशब्द ना कहा, आड़े तेड़े वचन ना कहे हो, बांझ जैसे संबोधन से भी हमको संबोधित कर देते थे लोग। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। तब बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, आपकी कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से, आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था और पशुपति व्रत बताया था, वो हमने कथा के अंतर्गत पंडाल में बैठकर सुनकर, कथा में तो हम रोज नहीं जा पाए पर हम एक दिन की कथा में केवल आखिरी दिन गए और हमने आखिरी दिन, आप कहते हो ना बाबा से जो मांगो बाबा वो देता है गुरुदेव, हमने पंडाल में बैठकर बाबा से केवल संतान मांगी और मेरे बाबा ने 16 साल के बाद मुझे संतान दी, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व ओघड़ी है, बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद, हर हर मां, ये ओघड़ी है शंकर। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। आप बैठ जरूर गए हो, आप आ गए हो शिव महापुराण की कथा में। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा दोपहर में बांचते हो तो आखिरी दिन की कथा भी तुम्हें दोपहर में करना चाहिए, फिर तुम इतनी जल्दी कभी 8 बजे कभी 9 बजे सुबह से कथा रख देते हो, उसका कारण क्या है? हमने कल कथा में आपको कहा था, रेत के ढेर पर शक्कर को पटक दो, चीटी उस शक्कर को उठाने आ ही जाती है। अगर जो शंकर के भक्त हैं वो समय नहीं देखते, शिव की उपासना का समय कहां है? बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर आपको ज्ञान देंगे वो लोग और कहेंगे शंकर की पूजन इस टाइम करना चाहिए, शंकर की आराधना इस समय करना चाहिए, शंकर को भगवान का भजन इस समय करना चाहिए, शंकर के मंदिर इस समय जाना चाहिए, शंकर का गुणगान इस समय करना चाहिए, शंकर का भजन इस समय करना चाहिए। बहुत सारे, जब तुम टीवी खोलोगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कि शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है, शंकर के मंदिर में आराधना का समय यह है, शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है। जब 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 टीवी खोलोगे नए नए लोग तुमको ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे, जो तुमको ज्ञान दे कि शंकर की पूजन का ये समय है उनसे कहना शंकर का नाम महाकाल है, काल आने का समय बता दो तो महाकाल की पूजन का भी समय निश्चित हो सकता है।
मरने का कोई समय नहीं होता। मौत नहीं देखती कि तू सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है। मौत नहीं देखती कि तू दिन को मर रहा है कि रात को मर रहा है। मौत नहीं देखती कि तू 11 बजे मर रहा है कि 12 बजे मर रहा है। मौत नहीं देखती कि तू सुबह 4 बजे मर रहा है कि रात्रि के 3 बजे मर रहा है। जब मौत का समय नहीं है तो मेरे महाकाल के भजन का भी कोई समय नहीं है, मेरे शिव के भजन का कोई समय नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले, बहुत सारे आपको मिलेंगे जो दिन भर बैठकर बस यही बात करते रहेंगे, इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, इतनी बजे पूजन करना चाहिए, इतनी बजे आराधना करना चाहिए, इतनी बजे जल चढ़ाना चाहिए। सीओर वाले महाराज ने तो हर कभी लोगों को मंदिर भेज दिया। जो कह दे कि मौत का समय होता है तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय होता है। जब दिल करे तब महादेव का भजन करिए। जो कह दे कि मरने का समय निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है कि ये सुबह 4 बजे मरेगा, ये 3 बजे मरेगा, ये 5 बजे मरेगा, तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय ये है। भगवान के भजन का, भगवान को पूजने का, भगवान की आराधना का, शंकर की स्तुति का और भगवान के मंत्र जाप का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब भजन करो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े उस समय पर भजन करिए। द्रौपदी जिसका रजस्वला धर्म, 3 दिन के रजो धर्म में थी द्रौपदी, केवल तीसरे दिन का स्नान करा था द्रौपदी ने रजो धर्म में, और दुशासन उसके बाल पकड़कर सभा में लेकर आ गया। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजो धर्म में हूं, मैं रजस्वला हूं, मैं भगवान को कैसे भजूं, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, पर द्रौपदी रोती रोती जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची तो गुरु जी ने कह दिया, द्रौपदी कोई तुझे नहीं बचाएगा, बचाएगा तो वो जो मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, जो मैंने तुझे मंत्र प्रदान करा है, वो मंत्र भज। द्रौपदी ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, द्रौपदी ने मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। अब भगवान कृष्ण उस मंत्र को सुनकर दौड़ आए। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजस्वला धर्म से हूं, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, हाँ रजस्वला धर्म में आप मंदिर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप अच्छी जगह पर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप रसोई घर में मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप भगवान की चौखड़ पर कहीं पूजन आराधना हो रही है वहां मत जाओ, रजस्वला धर्म में श्रेष्ठ जगह पर मत जाओ, पर रजस्वला धर्म में भी अगर आप हैं तो भगवान को पुकारने में देरी नहीं कर सकते, भज सकते हो भगवान को, स्मरण कर सकते हो भगवान का, नाम जाप जप सकते हो भगवान का। मृत्यु का समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं, तो फिर हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें कि मंदिर जाने का समय यह है। भगवान का भजन सुबेरे 5 बजे करना, भगवान का भजन सुबेरे 4 बजे करना, भगवान का भजन दोपहर में 3 बजे करना, भगवान का भजन रात को। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरु जी भगवान का भजन, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 1 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर बोले, आप कहते हो कि भगवान का नाम, भगवान का भजन मरने के 1 मिनट पहले करना चाहिए, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन कब मरेंगे, तो उसके 1 मिनट पहले भजन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि मरोगे कब, तो हर मिनट में भगवान का भजन करो, कब प्राण आखिरी हो जाए, कब श्वास आखिरी हो जाए, इसलिए प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक पल पल अपने स्थान पर बैठ कर बाबा से विनय करें, भाव के साथ, आनंद के साथ, मेरे देवाधिदेव महादेव से, दिल से। आज कथा का विराम दिवस है, आप जितना दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो उतने दिल से करिएगा, भाव के साथ, आनंद के साथ। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोलो, कार्य बाद में कर लेना, ये मौका बार बार नहीं आएगा बाबा से विनय करने का, बोलने का। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से, भाव के साथ, दिल से करें।
श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं। दुख तकलीफ कष्ट बीमारी रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए। जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास आए। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना, गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी रोज, जम के बोलो जरा, 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज, 3 बजे। सुबह ने 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचे। तुम जिस टाइम गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहन। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात है? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देव। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूं जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला राजगढ़ क्षेत्र को, बहुत साधु। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी, तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी, 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठना, तुम सवेरे केवल
एक बार सुबेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाना, पिता से मिलने के लिए आना। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि मैं पूजा पारेता, पति श्री शिवराज पारेता, निवासी रंगबाड़ी, वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो दिख गई क्या? हाँ हाथ हिला दो बहन, ठीक है, दोनों हाथ हिला। बाट क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। गर्भ में बच्चों को पीलिया होने के कारणवश गर्भ के अंदर ही दोनों बेटियों की तकलीफ हुई, जन्म हुआ। एक बेटी स्वस्थ हुई और एक बेटी, जो जुड़वा बच्चे थे उसमें एक बेटी स्वस्थ हुई, एक बेटी उसमें शरीर से विकलांग हुई, पांव से चल नहीं सकती थी, माइंड खराब था, मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये बात है गुरुजी 2016 की। समय आया 2019 में, मेरी जो स्वस्थ बेटी थी, जो चलती थी, फिरती थी, बात करती थी, अच्छी रहती थी, सब काम कर लेती थी, वो बेटी अचानक उसको तकलीफ हुई और मेरी वो स्वस्थ बेटी मर गई। अब बची मेरी एक बेटी जो माइंड से विकलांग, पांव से जिंदगी भर चल नहीं सकती, डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ी रहती थी, जिसका शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, डॉक्टर के हिसाब से वो विक्षिप्त थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका कितना भी इलाज करा लो ये चल नहीं पाएगी और ना कभी बैठ पाएगी और ना कभी माइंड से कोई काम कर पाएगी ना कभी बोल पाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं। मन करा कि भगवान ने एक बेटी छीन ली और एक दी है तो क्यों ना इतने पत्र महाराज पढ़ते हैं तो बाबा से एक बार मैं भी प्रार्थना करूं। हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां जाके प्रणाम करा, एक रुद्राक्ष लाए, उस बेटी के गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर उसको पिलाना चालू करा। मैं कुबेर भंडारी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी अपने पांव से चलने लगी और उसका माइंड काम करने लगा। हम उस बेटी को भी साथ में लेकर आए, आइए बेटी साथ में, बाबू आइए तो खड़ा कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान कर, बैठिए बाबू बैठिए, श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है, एक बैठा है। ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता है। 33 कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी ने ऑपरेशन नहीं किया शरीर का, केवल एक महादेव ने ऑपरेशन किया शरीर का। ससुर का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगा दिया, गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का लगा दिया, इतना बड़ा डॉक्टर कहां से लेकर आओ।
हमारे यहाँ हड्डी जोड़ देते हैं, हमारे यहाँ प्लास्टिक के उसमें लोहे की राड डाल देते हैं, पर जरा विचार करो वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो धड़ पर हाथी का मुख रख सकता है, जो धड़ पर बकरे का मुख रख सकता है, वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा। सहज। इसलिए हमारे यहां हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को भी शिव कहा जाता है और शंकर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो जनमानस की सेवा में लगे हैं, कोरोना महामारी में, कोरोना के अंतर्गत सब अपने अपने घर में भरे पड़े हुए थे, पर डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, जिनको लोग सरल भाषा में कह देते हैं ये समाज के हैं, ये समाज के हैं, अच्छी अच्छी समाज के लोग जब बाहर निकल कर नहीं आए, तब वो पोछा लगाने वाला शव को उठाकर लेकर अंतिम संस्कार कर रहा था, वो पोछा लगाने वाला अंतिम संस्कार कर रहा था, उसको कोरोना नहीं लग रहा था, वो आगे बढ़कर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है। लोग कहते हैं ये छोटी समाज के, ये ओछी समाज के, ये समाज के, वो समाज के, जो छोटा है उसने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई नहीं आया, अच्छे अच्छे घर में पड़े रहे और वो आगे निकलकर अंतिम संस्कार करते रहे। हम बटे हुए हैं, या हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बांट हम रहे, बट हम रहे, ये राजनीति के चक्कर में सारे भारत की भूमि के सारी समाजों को अलग अलग बांट दिया गया है, पर मेरा शंकर सबको एक जानता है। इसलिए मेरे शिव जी के ऊपर जो पानी गिरता है तो एक एक बूंद गिरता है कि आप सब एक हो, अलग अलग नहीं। दुख आया, कोई नहीं आया, तब वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, वो कंपाउंडर, वो लगा रहा पोछा वाला, झाड़ू वाला, वो गोली दवाई देता रहा, और परिवार वाले केवल फोन पे सूचना लेते रहे, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, सब घर में पट्टा बांध बांध के पड़े रहे, और वो आगे रहकर तुम्हारे घर के लोगों को दवाई दे रहे थे, उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम। और हम जातियों में बट रहे हैं, हम ऊंचे ये नीचा, हम ऊंचे ये नीचा, हम बड़े ये छोटा, रोटी तो उतनी खाते हो, हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा, रोटी तो उतनी खा रहे हो, शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिख कर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे, मैं छत्री हूं तो छत्री का खून चढ़ाना रे, मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना, मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब ये पूछा नहीं जाता कि ये ब्राह्मण का है कि छत्री का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है, तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए, ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रे कि तुम कौन हो, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, भगवान तो नहीं होगा, बेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना, आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता, मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के घर। और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं घर में विदुरायन,
और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहां हस्तिनापुर का राज्य, कहां अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं रस्सी वाली खटिया। तो पहले तो खटिया चलते थे। तो कहा कि अपने यहां तो खटिया भी सही नहीं है, एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा। तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी। भगवान से कह रही ये बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठूं? काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही, और विदुरानी कह रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? खसको अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है और मुझे खसका रही है। अब भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूं। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भर रहा है, बिठाए ऐसी रही है तो खिलाएगी क्या? और डांट अलग रही है, केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका, खसक। जो भगवान अंदर खसके बस भगवान पड़े। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लग रहा। विदुरानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूं। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई, नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया, लो। भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहां इनसे खाते हैं? खाओ जल्दी केला। पटकती जाए, छिलका छिलका भगवान को देती जाए। भगवान ने विदुरानी से पूछा सारा केला हमको खिला दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा, जो नीचे पड़ा। अरे भगवान कृपा, दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम है हमारा। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा झोपड़ा है घर है, तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, भगवान नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि तेरे मुख से भजन कितना हुआ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम तूने जपा कितना है।
और जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का पड़ी रहन दो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी गाड़ी के मालिक हो, भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो, भगवान नहीं देखा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है, भगवान तो ये देखता है कि तेरे पास भजन कितना है और तेरा भजन में बल कितना है, तेरी भक्ति कितनी है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरा विश्वास कितना है। अगर विश्वास नहीं होता तो जिस डॉक्टर को कह दिया गया था, जिस डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़की नहीं उठ सकती, ये माइंड से विचित्र रहेगी, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, वो बेटी भी अगर विश्वास पक्का है तो डॉक्टर भी मना कर दिया, वो बेटी भी उठकर खड़ी हो गई 2021 से। ये शिव तत्व है, ये घड़ी का तत्व है। दुनिया के लोग भले कहें कुबेरेश्वर धाम में क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं, वहां तो कंकर और शंकर है, बस दिल से जाकर झोली पसार कर उससे निवेदन कर कराओगे, वो देकर ही भेजता है। सहज नहीं शिव, सरलता नहीं। शंकर शंकर एक प्राप्ति का केंद्र बिंदु बना, भजन में इतने खो जाओ शुद्ध ना रहे, शुद्धता। अरे खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सतसंग जावे रे। ये चित्त दौड़ कर भगवान की मंदिर तक, जिस दिन तुम मंदिर ना जाओ उस दिन तुम्हारे मन को लगना चाहिए आज मेरा कोई काम रह गया, ऐसा लग रहा है आज मैं मंदिर नहीं गई ना तो खाली खाली दिख रहा, मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। जो जिसको ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं गई जल चढ़ाने तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खाली हूं, मंदिर नहीं गई ना पानी चढ़ाने भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो खाली लग रहा है, मैं मंदिर नहीं गई ना अच्छा नहीं लग रहा। जिसको ऐसा महसूस होता है कि मंदिर नहीं गई तो अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह भगवान को भी लगता है कि तेरे ऊपर दुख आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आकर स्वयं खड़ा होऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान आखिरी श्वास तक मेरे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि मैं अपने कपड़े की बटन खुद लगा लूं, अपने वस्त्र स्वयं पहन लूं, अपना भोजन स्वयं कर लूं और तेरे दरवाजे पर चलकर मैं अपने पांव से आती रहूं मरते दम तक, ऐसा आखिरी श्वास तक, अंतिम श्वास तक तो मुझे ऐसा बनाकर रख। देखो परिवार के लोग तुम्हें डॉक्टर को दिखा देंगे, परिवार के लोग तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार के लोग पैसा खर्च कर देंगे, पर जीजी और मेरे जीजाओं एक बात याद रखना, शरीर का कष्ट तो अपने को ही भोगना पड़ता है। पैसा लगा देंगे परिवार वाले, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे परिवार वाले, दवाई दिलवा देंगे परिवार वाले, तुम्हें बिठाकर गोली भी खिला देंगे परिवार वाले, पर शरीर में जो कष्ट होता है वो कोई दूसरा नहीं भोगता, अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए भजन अपने को खुद करना पड़ेगा, भजन स्वयं करो, भक्ति स्वयं करो, स्मरण स्वयं करो, मंत्र जप स्वयं करो, नाम जप स्वयं करो। जिसका चित्त भगवान की अविरल भक्ति में लग जाता है, जरूरी नहीं होता कि वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, तभी भगवान को याद करेगा। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी,
उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं, मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, दो, एक डब्बी पति के हाथ में जल भर कर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना, तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो दो तीन डब्बी रख लो, इतनी इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी इतनी सी डब्बियाँ, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो, तुम कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ, भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख ले, मेरा शिव तुम्हारे साथ है। एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना कराओ तुमको, जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो। बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है आपके पास में, रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं, जम के बोलो, तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता, बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से, क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो, अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम, सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहां रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहां पहुंच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां तुम हो। उसको मालूम है कि तुम कहां हो। उसको मालूम है, इसलिए गले में रुद्राक्ष की, एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर, शिव कृपा। एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर है, धारण करो। हर मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का
वासुदेव। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहाँ जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को भ्रमण कराया काशी की रज। काशी की रज को भ्रमण करा रहे हैं महादेव। और काशी की रज पर जब भ्रमण कराया, काशी की रज पर जब घूम रहे हैं, माँ पार्वती जी के मन में दो संशय भारी हैं। माता पार्वती जी के मन में दो संशय, काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा, मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं, ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया, उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है, तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो, और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा, आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है, शिखर में ऐसा क्या है, आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं, शिखर में ऐसा क्या है। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है, और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये प्रजा ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन, वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना, बोलो बोलो जम के, शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का एक ऊपर कलश चढ़ा होता है, देखा है आप लोगों ने, बोलो जम के बोलो। दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, पर ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में
उनके शिखर पर भी वो तांबे का और पीतल का कलश ना हो, वो मेरे शिव की निशानी है, वो मेरे शंकर की निशानी है। प्रत्येक धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके शिखर पर एक तांबे का कलश, पीतल का कलश होगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को उस काशी की पावन धरा पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पार्वती दुनिया के लोग मुझे मंदिर के अंदर चाहते हैं कि मैं मंदिर के अंदर हूं, ऊपर जो तांबे का शिवलिंग की आकृति का जो छोटा सा शिखर मंदिर के ऊपर शिखर पर चढ़ा होता है पार्वती, वो मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके ऊपर पीतल का तांबे का कलश मिलेगा, वो कलश मेरा शिव है। अब तुम दुनिया का अस्तित्व मिटा दो, कलश को कैसे मिटाओ? हम नहीं मानते सनातन धर्म को, हम नहीं मानते हिंदू धर्म को, हम नहीं मानते इसको, मत मानो, काका जी तो ऊपर चढ़े हैं, तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या बैठा, वजूद है, वो विराजमान है, वो है, तो ही तो हम आनंद कर रहे हैं। चंद्रायन थ्री, चंद्रायन थ्री की लैंडिंग होना है दो एक दिन के अंदर, आज ही है बस। तो फिर यहाँ इतने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भारत का गौरव फिर बढ़े और फिर आनंद हो। सारे वैज्ञानिकों को, सारे रिसर्चों को और इस भारत के एक एक वैज्ञानिक गौरवों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। बाबा कृपा करे, शिव कृपा हो और मेरे भारत का ये ध्वजा, मेरे भारत की ये पताका फिर पूरे चारों तरफ विश्व गुरु के रूप में फेमस, प्रसिद्ध हो, यही आना। बोल भारत माता की, फिर वो एक ध्वजा चमके पूरे विश्व में। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये सहज नहीं, भारत की धरा, ये मेरे भारत की भूमि, जिसके कंकड़ कंकड़ में शंकर है, जिसके कण कण में देवता समाहित हैं। जरा विचार करिएगा, अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेट कहते हैं, एक्सपायर क्या बोलते हैं, जम के बोलो, जम के जरा, एक्सपायर। और भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? वो तो बेवड़ा था, गाली देता था, गंदा था, मर गया तो स्वर्गवासी लिखना ही नहीं था, फिर भी लोगों ने स्वर्गवासी लिखा। कारण केवल इतना सा है, अगर वो कहीं दूसरे देश में मरता तो एक्सपायर लिखते, डेड बॉडी लिखते, पर यहाँ तो स्वर्गवासी इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारत माँ की गोद में मरा है, जहाँ राम कृष्ण प्रकट है, ये भारत की भूमि है, सभ्यता संस्कृति की जननी है, या मरने वाला स्वर्ग जाता है, इसलिए बाहर के विदेशी भी भारत की भूमि पर आकर राम नाम कृष्ण नाम का जप करते हैं, क्योंकि यहां राम मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, शिव मिलेगा, इसी भूमि पर मिलेगा, प्राप्त हो। मिलेगा, आप ढूंढो उसको। कई बार हमसे कहते हैं लोग, आपने कभी शंकर जी को देखा है? हमने कहा हम तो रोज ही देखते हैं। उसने कहा कब देखा?
हमने कहा ये इतने आते हैं ना, इनके दिल में वही तो बैठा है, इनके हृदय में वही तो बैठा है। कौन आता? सांप के बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके घर में काम पड़ा है, सवेरे 9 बजे तुम्हें कथा में पहुंचना है, तो 3 बजे से उठी होगी, 3 बजे से रात से उठी होगी, तब घर का झाड़ू काम सब करके, सब धर धुरा के, और छोरा छोरी चिल्ला भी रहे कहाँ जा रही, इतने में के भी दिया, ना ना मार से मत बोल जो मार से, तो तू जा कहाँ है भाई, कहाँ जाए, ओ भाई नाना दोष दूंगी, मार मार से मत बोल, नहा धो के सुबह देख झाड़ झुड़ा के कर पुरा के आंखों से मन में धर के पेंसिल से लाइन खींच के फिर आई वो कथा में, और कथा में आते से ही पहले तो देखा, तो इतने में किसी ने पूछा किसको देख रही, बिमला की बाई नहीं दिखी, उसे देख के फिर बिमला की बाई ने सारा, और फिर उसके पास में बैठी, और बिमला की बाई ने पूछा कहीं लाई क्या, अब आती आती होटल पे से पोया समोसा ले आई, बिमला की बाई और अपनी बाई दोनों मिलके खूब खाई खूब, और कथा सुन के जाती जाती कह गई आशीष तिवारी भला हो रे तेरा, गजब कथा कराई तेरे, गजब धन्य धन्य धन्य, ये कृपा नहीं तो और क्या है, धन्य। कहाँ गया आशीष तिवारी, कहाँ बुलाओ जरा उसको बुलाओ, धन्यता है। हे आशीष, ये सब बोल रहे हैं, एक कथा से काम नहीं चलेगा, तो आशीष बोल रहा है कि बाबा कृपा करेगा और राजगढ़ वाले तैयार होंगे तो फिर आ जाएंगे, ये तो शिव भक्ति है, शंकर की उदारता। हरा बोल बम का नारा है, बहुत बहुत साधुवाद आशीष जी आपको भी, और पूरे राजगढ़ वासियों को साधुवाद था, बहुत बहुत। तत्व को जानो, अपने भीतर के एक आनंद को पहचानो, अपने भीतर की एक भक्ति को जानो, और जब भक्ति प्रकट होती है शिव सामने होता है। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारो रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे, ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मना गया शिव शंकर। अपने शिखर के दर्शन का वर्णन किया, दूसरा माता पार्वती ने प्रश्न किया, बाबा देव अधिदेव महादेव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे प्रभु संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब कहीं भटक जाता है
अपने मार्ग से हट गए, अपने मार्ग से भटक गए, उसको वापिस सतमार्ग की ओर लाना है, उसको क्या करना चाहिए? शिव कहते हैं, पार्वती बस इतना स्मरण रहे, भटका हुआ व्यक्ति कोई सत्संगी के साथ अगर जुड़ जाता है, सत्संगी के साथ, भजनावली के साथ, भजन करने वाले के साथ, सत्संग वाले के साथ, मंदिर देवालय में जब जुड़ जाता है, धीरे धीरे उसकी बेकार संगत या भटकाव दूर होकर वो फिर मेरी शरणागति में आ जाता है, पुनः वापस। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल? इसका कारण क्या होता है? हम आपसे कह दें कि हमारे पास कोई अगर विद्या है और हम तुमको ऐसा हाथ फेर दें या तुमको ऐसे भभूति फूंक मार के उड़ा दें और तुम सही हो जाओ, तो ये व्यर्थ की बात है। ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई विद्या है, ना हम किसी का भाग्य देख सकते हैं, ना हम किसी का भाग्य बता सकते हैं। हमारे पास तो केवल एक शंकर का भजन है और आपसे केवल इतना कह सकते हैं, आपको भूख लगती है तो भोजन आपको करना पड़ता है, बीमार होते हो तो गोली आपको खाना पड़ता है, तो कष्ट आपको आया है तो आप जितना शंकर का भजन करोगे उतनी जल्दी आपका कष्ट मिट जाएगा आपके करने। भूख तुम्हें लग रही है और पड़ोसन भोजन करेगी तो तुम्हारी भूख समाप्त हो जाएगी क्या? बोलो तरी जी जी हो जाएगी? नहीं। हमें कष्ट, एक पत्र आया है देखिए, मैं राजू पुष्पद पतिश्री, मैं राजू पुष्पद पतिश्री मुरली पुष्पद, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं राजू पुष्पत पतिश्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़ से हूँ, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरु जी, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें? गुरुदेव, शादी को 20 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव 20 साल शादी के होने पर डॉक्टरों को भी दिखाया, जगह जगह पूजन पाठ भी कराया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चादानी में गांठ है, उस बच्चेदानी की गांठ का ऑपरेशन भी करा लिया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव ऑपरेशन कराए हुए 10 साल हो गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, तब किसी ने कहा, एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है उसे सुनो और आसन लगाकर टीवी के सामने ही बैठ जाओ और प्रार्थना करो भोले बाबा से कि भोला सब दुख, बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 20 साल के बाद हमने जब प्रयोग करा, डॉक्टर सब फेल हो चुके थे, तब वो आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत जब करा, 3 महीने निकल गए पर औलाद नहीं हुई, ना गर्भ ठहरा। हमने वो जड़ खोल कर डाल दी, पति भी कहने लगे, देखे सब महाराज बेवकूफ बनाते हैं, ये भी बना रहा होगा, तो हमने वो जड़ खोल दी। दूसरी बार मेरी पड़ोसन ने फिर कहा, एक बार शिवपुराण फिर सुन। हमने दूसरी बार टीवी के सामने शिवपुराण सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ को फिर कमर में बांधा। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर विचार करा
इस जड़ को थोड़ा 3 महीने तक और बंधी रहने देती हूँ। 3 महीने और बंधी रही और बाबा की कृपा से मेरा गर्व ठहर गया गुरुदेव, और शिव कृपा इसको कहते हैं। 20 साल के बाद जब गर्व ठहरा, डॉक्टर को सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो उसने कह दिया तुम्हारे गर्भ में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ में, बच्चेदानी में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ के अंतर्गत गठान है, इसका ऑपरेशन करा लो। 3 जगह पर सोनोग्राफी करवाई, हर जगह पर गठान बताई गई। अब करें तो करें क्या? पति ने भी कहा क्या कर सकते हैं। तब उस जगह पर फिर बाबा के ऊपर जल चढ़ा हुआ पीना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, पानी पीकर मंदिर में बाबा से कहकर आ जाती, अब तू जान तेरा काम जाने। धीरे धीरे 3री सोनोग्राफी फिर आई और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है, बच्चे की रिस्क मत लो और इस बच्चे को रिस्क मत लीजिए, जान परा बढ़ेगी, ऑपरेशन करा लीजिए। बाबा का दरबार नहीं छोड़ा गुरुजी। आप कितनी बार बोलते हो वो बाप है आपका। हमने फिर जल चढ़ाया, अब एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाई, जल चढ़ाती पी कर आती। डॉक्टर कहता रहा गठान है और बच्चा है। समय आ गया गुरुदेव, धीरे धीरे आखिरी के महीने तक डॉक्टर गठान और बच्चा कहता रहा। तब जन्म लिया बच्चों ने, तब मालूम पड़ा मेरे गर्भ से 2 बच्चे जन्म लिए, 1 बेटा 1 बेटी ने जन्म लिया। 29 जनवरी 2023 को मेरे घर में 1 लड़का और 1 लड़की ने जन्म लिया है। ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्नी बाहें पसारे। अपने कर भेजा है, उसमें एड्रेस मोबाइल नंबर सब लिखा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाओ उनके गाँव में और पता कर आओ कि शंभू ने दिया कि नहीं दिया। खाली तो नहीं छोड़ा, उसने कृपा करी ना करी ये आप उससे पूछो जाकर, ये उसके ऊपर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्नी बाहें पसारे। कुछ नहीं है हमारे पास में, आप ये अंदाजे में मत रहना कि हम आपका दुख काट देंगे। ना ना ना, दुख काटने वाला तो वो है भोला, सब दुख ये स्तुति है जो हम शिव महापुराण के बीच में लेते हैं। आपके लिए भजन के मध्य में इसको लिया जाता है, भजन भजन के बाद लिया जाता है, जिससे आप दिल से कहो कि बाबा मेरा दुख काट दे। अब किसका कौन सा दुख है हमें नहीं मालूम कि किसको संतान चाहिए, किसको वैभव चाहिए, किसको सत्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको, हमें नहीं मालूम। इसलिए एक शब्द है बाबा सब दुख काटो। ये दुख जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी तुम्हारे सामने भी अगर टीवी चल रही हो आप इस लाइन को दिल से पुकारना, जहां बैठे हो टीवी के सामने भी तुम ये सोचना कि हम राजगढ़ में कथा सुन रहे हैं, और दिल से कहना वो दिल से सुनेगा और दिल से देगा। इस बहन ने तो 20 साल बाद हर आदमी की, हर माता की आस समाप्त हो जाती है कि 20 साल में कोई औलाद हो सकती है क्या? 20 साल जिसके शादी के हो गए हो क्या औलाद हो जाएगी? और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, डॉक्टर कह रहा है कि गांठ है, ऑपरेशन करा, 4-5 सोनोग्राफी करवा ली तो औलाद हो सकती है। पर विश्वास, आप सब शिव की आराधना में रमे हो, एक भरोसे से शंकर की स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सहज नहीं है।
ये कथा आज पूरी हो जाएगी, 25 तारीख को भालो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, मणिलिंग शिवपुराण वहां पर प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक वो आएगी। आप दिल से सुनो। लोग कहते हैं गुरुजी कितनी कथा सुने, हम कहते हैं रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। रोज सुनो, प्रतिदिन। और आपके नगर के आसपास में 100, 150, 200, 400, 300, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कथा हो रही है और आपको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी कथा लेकर पहुंच गए, कुबेरेश्वर बाबा आ गए, एक दिन, एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, और दिन में नहीं तो मैं तो कहूँगा कि रात में आकर भी जमीन की रज को प्रणाम कर कर दिल से कहकर चले जाना, वो सुन लेता, सुनता। सहज नहीं मेरा शिव, पार्वती जी से शंकर भगवान कर रहे। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति को धारण करने वाला आपको प्राप्त कर लेता, आपकी भक्ति को धारण कर ले। शिव मिले, भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि शरीर चले जब तक तेरा भजन होता रहे, अंतिम श्वास तक पार्वती महारानी शंकर जी से संवाद करती हुई तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की, तारकासुर के तीनों बेटों ने जब उपद्रव मचाया तब शिव जी पशुपति नाथ बनकर 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर शिव जी पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की इन तीनों को संहार करने के लिए जा रहे। पशुओं के देवता भी शिव हैं, पक्षियों के देवता भी शिव हैं, जलचर में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव के देवता भी शिव हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य गंधर्व असुर किन्नर सबके देवता शिव हैं। जो पल्ला झाड़ कर देते हैं वो देवता हैं, देव हैं, और जो छप्पर फाड़ कर देता है वो महा देव है। देने में नहीं सोचता। राजगढ़ की पावन धरा पर शिव माँ जालपा भवानी बैठी है, बाबा वैद्यनाथ बैठे हुए हैं, राजगढ़ की धरा के राजा बनकर स्वयं वैद्यनाथ बाबा जहाँ विराजमान है, जहाँ माँ जालपा विराजमान है, माँ नेवच का तट है राजगढ़ की धरा, तो वैसे ही पवित्र भूमि और उसमें भी ये शिव तत्व की कथा, शंकर का गुणगान, ये हमारे जीवन का ही तो कल्याण, ये हमारे जीवन की ही तो सार्थक। पशुपति नाथ बन गए भगवान। भगवान ने कहा इन तीनों को बर, तीन पुरी का निर्माण है इनके पास में, अलग अलग पुरियों में रहते हैं, इनकी पुरी का संहार करा तो मेरा नाम त्रिपुरा हुआ, त्रिपुरारी हुआ। अब इन तीनों का संहार करना है तो तीनों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, तीनों को एक जगह पर एकाग्रित करेंगे तब जाकर ये मरेंगे, क्योंकि इनको वर है, इनको वर है, ये ऐसे मर नहीं सकते। जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं भगवान की भक्ति में डूबने वाले, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाले, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने वाले, ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं ना, इनको थोड़ा दुख आता जरूर है। जो असुर प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इनको, क्योंकि ये फूलते हैं, और फूलो इनको और मिलता जब ये फूलते हैं और बढ़ते हैं तब ये और गलत काम करते हैं, जब गलत काम करते हैं तो एक दिन फिर पाप का घड़ा फूट ही जाता है और वो बर्बाद हो ही जाते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि पुण्य नष्ट नहीं होता,
हम कहते हैं पाप भी नष्ट नहीं होता, ना पुण्य नष्ट हो रहा है ना पाप नष्ट हो रहा है। पुण्य जब नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रसन्नता आती है। पाप भी नष्ट नहीं होता, बढ़ता है, तब हमारे जीवन को वो और कठिनाइयों में ले जाकर खड़ा कर देता है। पाप जब बढ़ता है, इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बचना बड़ा कठिन है परमात्मा की दृष्टि से। कर्म अच्छा करते हुए चलना, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए एक लोटा जल महादेव को, शरीर चले जब तक चढ़ाते रहो, जिंदगी भर चढ़ाते रहो, कुछ नहीं रहो। आगे तारकासुर के तीन बेटों का संहार देवाधिदेव महादेव ने कर दिया, शिव जी का नाम पड़ गया पशुपतिनाथ, पाशुपत्य अस्त्र बना, पाशुपत्य व्रत बना। यह पशुपति व्रत शिव महापुराण का छुपा हुआ था, दबा हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप दबा हुआ था, छुपा हुआ था। जब लोगों ने धीरे धीरे शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा, तब लोगों को समझ में आया कि पशुपति व्रत भी होता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से भी जीव का कल्याण होता है। तब समझ में हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पशुपति व्रत का दोनों का इतना इतना विरोध हुआ है, इतना इतना विरोध हुआ है कि कथा बाचने बैठते थे तो लोग अपशब्द कहते थे। तब उस समय पर इतना इतना लोगों ने विरोध करा, इतना विरोध करा, परंतु बाबा तो बाबा है, शिव तो शिव है, उसकी पुराण में जो लिखा वो उसके शब्द हैं और दुनिया ने उसको स्वीकार किया। आप भी बैठे हो, आप में से भी कई माताएं ऐसी होंगी, पुरुष ऐसे होंगे जिनने पशुपति व्रत करा होगा और बाबा ने जो आपने कहा होगा, बाबा ने थोड़ा समय जरूर लिया होगा और पूरा भी किया होगा। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, पर आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि उसको तो तुरंत बस लोटा भर के जल चढ़ाऊं और 5 मिनट में चमत्कार चाहिए। तो बाबा के पास कहते, शंकर भगवान कहते, मेरे पास आना तो थोड़े से आनंद से आना, धीरे से आओ, आराम से आओ। जैसे कैलाश धाम की चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ी जाती है, उसी तरह कैलाश धाम से धीरे धीरे उतरा जाता है। माँ जालपा की चढ़ाई धीरे धीरे चढ़ी जाती है, उतरा भी धीरे धीरे जाता है। उसी तरह तुमने अगर एक बार पशुपति व्रत करा है, तुमने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाके लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि एकदम बाबा कुछ दे देगा। थोड़ा समय लगेगा, परखेगा, फाइल मोटी होगी, उसको छुपाने में समय लगेगा, थोड़ा संभलेगा तब वो देगा। उसके पास में तुम्हारे लिए तुम सोचो कि हमें कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो भोलेनाथ जी के दादा हमारे पास ऐसा धन नहीं है कि तुम हमें नीचे से जमीन में से गड़ा हुआ धन दे रहे हो। समय लगेगा, होगा। पशुपति व्रत 5 सोमवार के व्रत होते हैं,
घर में मीठा बनाओ, बाबा की पूजन के लिए जाओ, सुबेरे जो थाली पूजन करके आए हो वही थाली शाम को जाना चाहिए। छह दिए लगते हैं, छह ही दिए पहले बाबा के मंदिर में जमीन पर रखना चाहिए, पांच दिए जलाओ, एक दिया बिना जला रखो, जमीन पे ही बाबा के सामने प्रसाद के तीन हिस्से करो, दो हिस्से मंदिर में, एक बिना जला हुआ दिया वापिस थाली में और प्रसाद का एक हिस्सा थाली में, बाबा को प्रार्थना कर कर पूजन कर कर आओ। छठे नंबर का जो दिया लेकर आई हो बिना जला, वो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दरवाजे के बाहर बैठकर उसको प्रज्वलित कर, सीधे हाथ पर उसको बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है मेरे बाबा, स्वीकार करना, मन में कामना लेकर व्रत करा है बाबा, तो सबकी झोलियां भरता है दाता, मेरी भी भर, बाबा से प्रार्थना। जब पांचवा व्रत, मान लो अगर कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तुम्हारा कोई दूसरा व्रत आ जाए, तो पशुपति व्रत रहने दो, पहले आपका जो व्रत आप पहले से करते आई हो वो कर। पांचवा व्रत हो 108 फूल की पंखड़ी, चावल का दाना, जो तुम बाबा को समर्पित कर सकती हो वो बाबा को समर्पित कर कर प्रसाद के वही तीन हिस्से, छह दिए और एक श्रीफल भेंट मंदिर में समर्पित करके दिया लेके वापिस आओ। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो वो किसी को नहीं देना है, हर व्रत में वो प्रसाद सबसे पहले खाइए, उसके बाद भोजन करिए, पहले प्रसाद खाना है उसके बाद भोजन करिए। पशुपति व्रत को नियम से धारण कर, एक बार अगर व्रत कर लो तो दो तीन महीना रुको, एकदम लगे लगाए व्रत ना करिए, तीन महीना रुक के पहले बाबा आपकी झोली भर दें, फिर दूसरी बार करिए, अगर कोई त्रुटि हो जाए तीसरी बार करिए, बाबा सुनेगा जरूर। हम यहाँ से किसी को बुलाएं, कमलेश कमलेश कमलेश, एक बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, दो बार आवाज लगाएं नहीं सुनेगा, तीसरी बार आवाज लगाएं और जम के चिल्लाएंगे तो कमलेश जो भी होंगे वो पलट कर देखेंगे। उसी तरह एक व्रत में अगर बाबा ना सुने, तीन महीने बाद फिर करिए, फिर बाद में करिए, बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर, सुनेगा। आए समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, भगवान शिव की अनुपम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, फिर भगवान आनंद के साथ सोमनाथ बाबा का वर्णन कर कर मल्लिकार्जुन बाबा का स्मरण कराया, महांकाल बाबा का स्मरण कराते हुए ओंकारेश्वर बाबा के लिए भगवान विंध्य पर्वत पर विराजमान हुए, नारायण के लिए भगवान केदारेश्वर बन गए, बाबा भीमाशंकर बनकर भीम का संहार कर दिए, विश्वनाथ के रूप में बाबा भरण पोषण करने के लिए मनु सत्रुपा के लिए विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, बाबा वैद्यनाथ भगवान रावण के शिवलिंग को भगवान भूमि पर विराजित होने पर विराजित हुए, नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार बाबा करे हैं, आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वरम का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, विराजमान हुए, आगे वर्णन आया है फिर कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी सुदेहा घूषमा, घूषमा का बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे सुदेहा ने, वो बेटा मरे हो एक हफ्ता हो गया, जब सुदेहा बेटे को मारकर चली गई तो घूषमा ने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर तालाब में विसर्जन करा तो बेटा जिंदा तैरते हुए वापस बाहर आ गया, शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में करा गया, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को दी, भगवान शंकर ने कहा सुनो तुम रुका जी, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करेगा, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर मैं स्वयं विराजमान रहता हूँ, जो जीव सुनता है उसकी मनन वांछित कामना को मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ। ये शिव दादा भगवान शंकर ओघड़ी का आनंद सुख पाया। समय आया, बाबा
तुमरुका जी ने जय घोष के साथ कथा का आनंद पाया। 25 तारीख से बालोद की कथा का स्मरण करेंगे 29 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक। मणिलिंग शिवपुराण होगी, उसको हमें समझना है। मणिलिंग का मतलब क्या होता है, मणिलिंग का स्मरण क्या होता है, उसके बाद में जो कथा है वो 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा में है, फिर जो कथा है 15 तारीख से 21 तारीख तक पुणे सांगवी में है। ऐसी कथाओं का क्रम आस्था चैनल के माध्यम से आप सुनते रहेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। तिवारी परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर कथा को यहाँ करवाया। पंडित श्री हरिचरण जी तिवारी जी, पूर्व विधायक जी, मैं आमंत्रित करता हूँ उनको आभार व्यक्त करने के लिए। परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय पद्म भूषण श्री महाराज प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा का आज समापन दिवस है। इस दिवस पर मंच पर विराजमान अनंत विभूषण, अनंत विभूषित 1008 स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज के चरणों में सत्सर नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री प्रहलाद दास जी महाराज जयपुर के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, और जिनकी अमृतमयी वाणी से आप 5 दिवसीय दिव्य शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य हमारे देश के ऐसे संत जिन्होंने इस देश में ही नहीं बल्कि सू